बात आ गई अली तक? अली समझ में आ गया? नहीं आया है, अभी नहीं आया है। एक आयत पढ़ दो ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए, है ना? अच्छा बिल्कुल समझ तो कयामत तक नहीं आएगा, मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं अपनी हद तक जो समझाना चाह रहा हूँ वो तो समझा दूंगा बार बार, अपनी हद तक। बस आखिरी जुमला है और फिर मैं गया मुझे गालिब की तरफ। लेकिन दो जुमले मुझे गालिब ने सुना के सिलसिले में हत्या करके फिर जाऊंगा मसाइल तक, गुफ्तगु तलखीस दे दिया गया, है ना? अली समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक, सूरह रात 13वां सूरह कुरान मजीद का, भाई ऐसा हो, भाई ऐसा हो जिसके सुनो 13वां सूरह उसमें परवरदिगार कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमान नहीं वह यकुल लजीना कफरु लस्ता मुसला कुल 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 फिर आ गया कुल कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब है ना। वह यकुल लजीना कफरु लस्ता मुसला यकुल सिगा मुजारे है जो हाल और मुस्तकबिल दोनों पे एप्लीकेबल होता है ना। वह यकुल लजीना कफरु काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे, काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे, मुस्तकबिल की बात हो रही है क्या कि लस्ता मुसला कि तू रसूल नहीं है। कुल बोल मेरे मोहम्मद इनसे कह दे कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरे मोहम्मद इनसे कह दे कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए दो काफी है, दो है ना, एक अल्लाह और दूसरे वो जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। तो पूरी किताब का इल्म अली के पास है, है ना। ये सूरह रात कुरान का आखिरी सूरह तो नहीं है तरतीब नज़ूल के अतबार से, अभी तो बहुत से सूरह नाजिल होंगे, है ना। अभी पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ है और अल्लाह कह रहा है कोई है जिसके पास मौजूद से पहले पूरे कुरान का इल्म है? भाई यही इल्म कुरान जब विरासत में आगे बढ़ा तो हसन हुसैन जैनुल आबदीन मोहम्मद बाकर जाफर सादे मूसिया कादिर अली रज़ा बारहवें तक गया, बस बात आ गई मूसिया कादिर तक। बात मेरे मौला मूसिया मूसा इब्ने जाफर मूसिया कादिर तक आ गई, मेरा सातवां इमाम है ना। बस दो जुमले सुनो ताकि मैं गुफ्तगू को इख्तितामी मरहले में दाखिल कर दूं, इख्तितामी मरहले में, है ना। भाई अजीब बात है कुरान का इल्म मूसा कादिर के पास विरासत में तो आया इमाम ज़माने तक जाएगा, है ना। एक फिका के इमाम आ गए, किसके इमाम? एक फिका के इमाम आ गए, बड़े इमाम, एक फिका के बड़े इमाम। अच्छा फिका के इमाम, अच्छा ये ध्यान में है कि फिका के इमाम और है कायनात का इमाम और है। मुझे चैलेंज मत करना वरना कुरानी आयतों से जिसको भी जस्टिफाई कर लूंगा। आके मोहम्मद आले मोहम्मद बता सकते हो कि मोहम्मद आले मोहम्मद, है ना। वो आ गए अपने जमाने के बहुत बड़े इमाम फिका के, आए मूसिया कादिम को सलाम किया, जाफर सादिक को, मूसिया कादिम ने मूसिया कादिम के बाप जाफर सादिक मेरे छठे बाप सलाम किया, बैठ गए फिका जाफरी जाफर सादिक के पास बैठ गए और कहने लगे कि फर्जंद रसूल जरा सा इमाम की खसूसियत बयान कर दे, इमाम कहते किसी से? तो मेरे इमाम जाफर सादिक ने इमाम की सिफतें बयान की, इमाम ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, आखिर में आगे कहा कि इमाम वो होता है जो बचपने में भी खेल कूद की तरफ मुतवज्जह नहीं होता बल्कि बचपन में भी उसकी लौ लगी होती है अल्लाह की तरफ। अच्छा आगे जुमला है बचपन में भी इमाम वो होता है जिसकी बचपन में भी लौ लगी होती है अल्लाह की तरफ, खेल कूद की तरफ रागिब नहीं होता है। अभी जाफर सादिक ने जुमला अदा किया था कि मूसिया कादिर ने बकरी का बच्चा ले खेलते हुए ले आया, तो कमाल है। इधर जाफर सादिक के जुबान से जुमला मुकम्मल हुआ, उधर मूसिया कादिर बकरी का बच्चा लेकर आ गए, है ना, बकरी का बच्चा। वो जो फिका के इमाम थे उन्होंने देखा मुस्कुरा के देखा कि ये तो बच्चा इन्हीं का बेटा है ना, छोटा बच्चा, ये बकरी का बच्चा ले आया, मुस्कुराए मुस्कुरा के देखा और इमाम की तरह की तरफ देखा जाफर सादिक की तरफ और मुस्कुरा के कहने लगे, है ना, इशारों में कहने वाले थे कि ये क्या हुआ, है ना। इससे पहले कि ये बोले इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे यहाँ से क्या देख रहे हो, जाओ जाके सुनो खरी, यहाँ से क्या देख रहे हो, जाओ खरीद जाके देखो, है ना। वो
अफ्रीका के इमाम अपनी जगह से उठे, मुंह से एक आदमी जो छोटे थे बच्चे थे बकरी के साथ खड़े थे, उनके करीब आए, जब करीब आए और कान लगाया तो मूसी कातिल को यह कहते हुए सुना कि मूसी कातिल बकरी के बच्चे से कह रहे थे कि खड़ा क्यों है, अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करता। भाई खड़ा क्यों है, सजदा क्यों नहीं करता, है ना। वो फौरन समझ गए, इमाम थे ना फका के सही थे, फौरन समझ गए कि मुखातिब जानवर है, मुराद इंसान है। तुम क्या जानो कि इमामत क्या होती है, हो गई बात। भाई यही कमालात थे, यही कमालात थे जो हारून रशीद के गले में फांस की तरह अटक गए, है ना। बस एक रिवाज सुन लो, बात मुकम्मल हो गई, मैं आ गया। भाई जब इमाम के कमालात हारून के कानों तक पहुंचे, हारून रशीद के, है ना, तो परेशान तो हुआ ना। एक दिन झुंझुलाकर चिड़कर मूसिया कादिम से कहने लगा कि ये क्या आप हर वक्त फ़ख्र करते हैं कि मैं फर्जंद रसूल, किस बात का फ़ख्र है भाई, मैं भी चचा की औलाद हूँ, आप भी चचा की औलाद हैं भाई। एक अब्बास अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब की औलाद रसूल के चचा, दूसरे अबू तालिब की औलाद रसूल के चचा, है कहा भाई आप भी चचा की औलाद हैं, मैं भी चचा की औलाद हूँ, इसमें फ़ख्र किस बात का। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे बस इतना बतला दे कि अगर आज रसूल आकर तुझसे तेरी बेटी की खासकारी करे, पैगाम मांगे, तो तू देगा या नहीं। कहा कि इससे बड़ा फख्र क्या होगा कि रसूल बेटी मांगे और मैं ना दूँ, है ना, सरा होकर मैं दूंगा। कहा बस यही फर्क है मुझमें और तुझमें कि रसूल तुझसे बेटी मांग सकते हैं, मुझसे नहीं मांग सकते, इसलिए कि मैं तो खुद उनकी बेटी का बेटा हूँ। बस अजीज इस मरहले पर इख्तिताम पज़ीर हो गई। बाद उलमा ने लिखा है कि यही वो जुमला था जो उसके हलक में फांस की तरह अटक गया और उसने तय किया कि अब मैं मुसी कादिम को जिंदा नहीं रहने दूंगा। बसरा के गवर्नर को खत लिखा, फजल इब्ने रबी बसरा का गवर्नर है, उसको खत लिखा कि मुसी कादिम को गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दिया जाए। मुसी कादिम बसरा लाए गए, बसरा वो दो चार जुमले कैद खाने में डाले गए। फजल इब्ने रबी वो जिंदादान भी है, उस कैद खाने का मुंतजिर भी है और बसरे का गवर्नर भी है, उसके कैद में इमाम मूसी कादिम को डाल दिया गया। एक दिन कोई मेहमान फजल इब्ने रबी से मिलने के लिए आया बसरा के गवर्नर से, फजल इब्ने रबी ने उस मेहमान का हाथ थामा और लेके आया उस जगह पर जहाँ मूसी कादिम कैद थे और दरवाजे पर खड़ा करके उस मेहमान से पूछा कि तुझे अंदर कोई चीज नजर आ रही है। कहा कि हाँ, एक सफेद चादर जमीन पे पड़ी हुई। कहा कि ये सफेद चादर नहीं है, इस चादर के नीचे फर्जंद रसूल मूसी कादिम सजदे में है। अजरकुम अल्लाह, यानी इतने लहीफ व लागर हो गए थे, जिस्म इतना कमजोर हो गया था कि जिस्म में और चादर में तमीज बाकी नहीं रही। वो मेहमान बगदाद गया, जिसने मूसी कादिम को देखा वो बगदाद गया। जाने के बाद बादशाह वक्त हारून रशीद से शिकायत की, कहा कि बसरा का गवर्नर वो मूसी कादिम का चाहने वाला है। जैसे ही पता चला कि वो मूसी कादिम का चाहने वाला है, फौरन मूसी कादिम को बगदाद के कैदखाने में मुंतकिल किया गया। तुम में से किसी अक्सर ने देखा होगा वो बगदाद का कैदखाना, है ना, वो कब्र की तरह एक खुदी हुई जगह है, जितनी खुद हुई जगह है जिसमें ना इंसान इत्मीनान से बैठ सकता है ना इत्मीनान से लेट सकता है, और उस कब्र की तरह खुद हुई जगह में, उस कब्र में कैदखाने में लोहे की सलाखें लगी हुई थी, लोहे की सलाखें लगी हुई थी। मक्तल लिखता है, अरबाब मजालिस बयान करते हैं कि जब मेरा इमाम करवट बदलता था तो जिस्म जख्मी होता था और सज्जे से सर उठाता था तो सर इमाम जख्मी होता था, लेकिन हर सांस पे इमाम ने कहा कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इबादत के लिए ऐसी जगह मुहैया फरमाई, मालिक तेरा करम है कि मुझे इबादत के लिए इतनी पुरसकून जगह मिल गई। खुदा की कसम मैं कैसे बतलाऊंगा, किसी ने हारून रशीद से कहा
किसी ने हारून रशीद कहा कि ये जो बगदाद की कैद में है मुझे कादिर, उसका भी दरबार है कैद खाने का मुंतजर, वो मूसी कादिम के साथ नरमी बरत रहा है, मूसी कादिम के साथ नरमी बरत रहा है ना। बस ये सुनना था कि सिंधी इब्ने शाहूक नामी एक जालिम के हवाले किया गया है। मेरा इमाम सातवां इमाम मूसी कादिम सिंधी इब्ने शाहूक एक जालिम गुजरा है, उसके हवाले किया गया है। खुदा की कसम तारीख का बहुत बड़ा जालिम है ये सिंधी इब्ने शाहूक, बहुत बड़ा जालिम है। और एक जुमला तुम्हें हदिया कर दूं कि ये इतना बड़ा जालिम है कि इसने मूसी कादिम के साथ ताजियाने के साथ मूसी कादिम के साथ वो सुलूक किया जो शिमर ने ताजियाने के साथ शहजादी सकीना के साथ किया था। लेकिन हर ताजियाने पे कहते रजन ने कजा ही व तस्लीम अमरे है। बस दो जुमले गिरिया क्या बजे खराब हो गए, फकत दो जुमले रवायत को मुकम्मल कर रहा है ना। एक दिन हारून रशीद ने जब तय किया कि अब मूसी कादिम को जिंदा नहीं रहने दूंगा, उसे जहर दिलवाऊंगा, सिंधी इब्ने शाहूक के जरिए अंगूर में जहर मिला के दिया गया, अंगूर का तबक लाया गया मूसी कादिम के सामने रख दिया गया, जहर आलू अंगूर। और वो जाते हो जहर है, कौन सा जहर था, जहर हलाहिल, इतना तेज जहर है कि अगर पानी में डाल दिया जाए तो मछलियां मर जाती हैं। जहर हलाहिल मिलाकर अंगूर में मूसी कादिम को पेश किया गया। मेरे मौला मूसी कादिम ने एक दाना उठाया, जानवर के आगे फेंका, कुत्ते के आगे फेंका, उसने खाया वो मर गया। दूसरा दाना उठाया, अपने दहने अकदस में रखा और ये कहकर अबर डाली कि रजन ने कजा ही व तस्लीम अल अमर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, सर पर अबर डाली मेरे मौला मूसी कादिम ने और पुकार के कहने लगे कि कुल तीन दिन जिंदा रहूंगा, तीन दिन। तीसरा दिन आया सो सिंधी इब्ने शाहूक ने शहर के उलमा को जमा किया, लेकर आया कैदखाने के पास है ना, और उलमा से कहने लगा कि तुम लोग गवाह रहना कि मूसी कादिम अपने मर्ज में दुनिया से जा रहे हैं, मैंने इन्हें जहर नहीं दिया, बस ये समझा था कि मूसी कादिम ने सर को बुलंद किया, हाथ उठाए और पुकार के कहने लगे परवरदिगार तू गवाह रहना कि इसने मुझे जहर दिया है। बस ये जुमला सुनना था कि सिंधी अपने शाह कांपने लगा, बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम, लेकिन इमाम के जुमले से कांपने लगा, कहा फरंद रसूल तकसीम तो हो गई लेकिन इतनी इजाजत तो दे कि मैं अपनी निगरानी में आपको गुस्ल दिलवाऊँ, अपनी निगरानी में कफन पहनाऊँ, अपनी निगरानी में आपका जनाजा तैयार करूँ, जनाजा उठाऊँ। एक मरतबा जलाल के आलम में कहने लगे कि मेरा गुलाम मौजूद है और मेरे जनाजा उठाने वाले मौजूद है, तुझे कोई हक नहीं है कि मुझे गुस्ल दे मेरा जनाजा उठाए है ना। और उसके बाद पुकार के कहा कि मेरे पास से सब लोग यहाँ से चले जाए। उसके बाद गुलाम कहता है कि इमाम कैदखाने में अकेले थे, एक मरतबा बाएजाज इमाम अली रज़ा तशरीफ लाए, एक खूबसूरत सा जवान आया अली रज़ा मदीने से बाएजाज आए बता था, जैसे ही मूसी कादिम की निगाह पड़ी अली रज़ा पर गले लगा लिया, कुछ देर तक बाबा बेटा बाहवादे किरण क्रिया करते रहे। जब गिरिया थमा तो अली रज़ा की निगाह पड़ी कैदखाने की दीवारों पर, कैदखाने की दीवारें सुर्ख हो रही है, लाल हो रही है, घबरा के कहने लगे पापा ये कैदखाने की दीवारों पर सुर्खी कैसी, तो रो के फरमाने लगे कि बेटा अली रज़ा तुझे तो मालूम है ना कि जब किसी को जहर दिया जाता है तो उसके जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर गिरते हैं और उसके करीबी वरसा उसको उठाते हैं, कोई जिगर के टुकड़े उठाने वाला नहीं था, तो ये सुर्खी नहीं है, ये तेरे बाबा के जिगर के टुकड़े हैं। अदरक मन अल्लाह असरारे इमामत तालीम किए आगे जुमला, इमाम ने कजा की, अली रज़ा ने गुस्ल दिया, अली रज़ा ने जनाजा पढ़ाया, अली रज़ा ने नमाज़े जनाजा पढ़ी और गुलाम के हवाले कर दिया है ना। अब ऐलान आम हुआ
कि मूसी एक आदमी इंतकाल कर गए, तुम समझ रहे होगे कि बड़ी शान से मूसी एक आदमी का जनाजा बरामद हुआ होगा। खुदा की कसम ऐसा नहीं हुआ, चार मजदूर बुलवाए गए, उन मजदूरों ने मूसी एक आदमी के जनाजे को कंबल में रख के उठाया और ये कहते हुए चले कि ये राफिजियों के इमाम का जनाजा है। आखिरी जुमला, ये राफिजियों के इमाम का जनाजा है। सुलेमान बादशाह का रिलेटिव रिश्तेदार वो महल से खड़ा हुआ देख रहा था कि बगदाद के पुल पर एक जनाजा पड़ा हुआ है। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, महल के ऊपर से सलमान ने देखा जो हारून रशीद का रिश्तेदार है कि बगदाद के पुल के ऊपर एक जनाजा रखा हुआ है। एक मिनट मुझे दो जुमले पढ़ने दो, है ना। नीचे से तोआ नामी एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी, सर को पीटते हुए रोती हुई, है ना। सुलेमान ने पुकार के पूछा कि तो क्या ये तेरे बेटे का जनाजा बगदाद के पुल पर रखा है? तो रो के कहने लगी कि ये मेरे बेटे का नहीं है, अगर मेरे बेटे का होता तो सारा बगदाद आता, ये फातिमा ज़हरा का बेटा है। बस ये सुनना था कि मिनट में सलमान ने अमामा फेंक दिया, अमा उतार दी कि मूसी कादिम शहीद होता है और मैं दरबार में बैठा रहा हूं। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आया सलमान मूसी कादिम के जनाजे के करीब आया, अब जो गौर से देखा तो देखा हाथों में हथकड़ियां है, गले में तोके खादार है, पांव में बेड़िया है। अदादारों आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला, तोको बेड़िया और संजीव आबिद बीमार ने भी पहनी, सैयद सज्जाद ने पहनी, है ना। लेकिन रिहाई के बाद सज्जाद की भेड़िया काट दी गई, सज्जाद का कौम उतार दिया गया। तारीख आले मोहब्बत में कुल दो शख्सियतें हैं, शहजादी सकीना कुर्ते के साथ दफनाई गई, मूसी कादिम जंजीरों और भेड़ियों के साथ दफनाए गए। जब गसाला आई है सकीना को गुस्ल देने तो कहने लगी जैनब से कि बीबी ये बच्ची क्या बीमार थी? कहा ये बीमार नहीं थी, ये शिविर के ताजी आने। आओ भूखा है कैद के, आओ
है कैद में, ये करबला है कैद।